और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से कोरोना का कहर सताने लगा है दिल्ली में। नए कोरोना वेरिएंट का पहला केस सामने आया है। दिल्ली एम्स में रिपोर्ट होने वाले कोरोना संक्रमित और कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए एम्स प्रशासन ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना के मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 कोरोना मरीजों में JN.1 सब वेरिएंट पाया गया है। अजमेर के दौसा में, भरतपुर और झुंझुनू के मरीजों में भी JN.1 सब वेरिएंट सामने आया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के JN.1 वेरिएंट का पहला मरीज सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इस सिलसिले में एम्स प्रशासन ने नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एम्स निदेशक ने सभी विभागों के साथ बैठक की है और टेस्ट बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना मरीजों के लिए 12 बेड रिजर्व करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में वर्तमान में कोरोना के 30 एक्टिव मरीज सामने आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, दिल्ली में पहला JN.1 केस सामने आया है, क्या कुछ दिशा निर्देश फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से? देखिए, दिल्ली में पिछले कई दिन से 400 से 500 टेस्ट रोजाना हो रहे थे, जिसमें 5-7 केस आ रहे थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट गई हुई थी, 3 सैंपल भेजे थे, जिसमें एक JN.1 का मरीज दिल्ली में मिला है। तो दिल्ली के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक दिल्ली में इस वेरिएंट का मरीज नहीं मिला था, कोरोना वेरिएंट का। एम्स की तरफ से दिशा निर्देश बाकायदा जारी किए गए हैं, बेड रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही दिल्ली सरकार भी काम कर रही है। वही एडवाइजरी है जो पूरे देश के लिए है कि भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें और जो एहतियात पहले कोरोना के समय बरती गई थी वो बरतनी चाहिए। तो अब ऐसे में जब ये नया वेरिएंट मिला है तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। एम्स, जो कि केंद्र सरकार का अस्पताल है, वहाँ पर भी दिशा निर्देश इसको लेकर जारी किए गए हैं। जी जावेद, क्योंकि पहला मामला JN.1 वेरिएंट का सामने आया है, कितने एक्टिव केसेस जो हैं फिलहाल दिल्ली में पाए गए हैं कोरोना के? देखिए, रोज़ टेस्ट हो रहे हैं 400 से 500 और 5 से 7 केस रोज़ाना आ रहे हैं, करीब 1% की ये दर है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अभी उतने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं है, ये सरकार का दावा है। लेकिन फिर भी सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना का कोहराम हम पहले देख चुके हैं कि आखिर किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई थी। तो इसे हल्के में किसी भी तरीके से ना लिया जाए। सरकार को जो आशंका है और जो लोगों को आगाह कर रही है वो ये कि नए साल का टाइम है, लोग फेस्टिव सीजन में इधर उधर जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो वहाँ बचे और सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है। प्रोटोकॉल को फॉलो करें लेकिन पैनिक क्रिएट ना करें। जावेद, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।